एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संगठक कॉलेज और सभी सरकारी गैर सरकारी कॉलेज से जुड़े हुए आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जितने भी अपडेट हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जेन्यून क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करेंगे, डीएम करेंगे, तो पर्सनली आपका रिप्लाई कर पाऊंगा। वहाँ पर भी जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब के अलावा एक और साधन होना चाहिए, एक और सोर्स होना चाहिए जिससे आप मेरे से जुड़ सकें। क्योंकि ऐसा कभी कोई कारणवश ऐसी कोई घटना हो जाए कि यूट्यूब पर हमारा संपर्क नहीं बने, तो आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ सकें, तो एक दूसरा साधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं रिप्लाई समय पर कर पाऊँ। तो फाइनली राजस्थान विश्वविद्यालय के जो आपके बचे हुए रिजल्ट थे प्रमोटेड स्टूडेंट के, वो जारी हो चुके हैं। कल ही बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कल ही मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने वीडियो बना दी थी और उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि कल शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कल आपका इवनिंग में ही रिजल्ट आ गया था, किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप सभी आपको अपडेट दे देता हूँ, जो भी अपडेट आई हुई है आपकी। तो यहाँ पर आपके सभी कोर्सेज के बचे हुए रिजल्ट थे वो जारी कर दिए हैं। बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया, बीएससी पार्ट टू ऑनर्स का रिजल्ट भी जारी कर दिया। इसके अलावा बीकॉम के जो रिवेल के रिजल्ट थे वो भी जारी कर दिए। तो जितने भी यहाँ पर रिवेल के रिजल्ट थे आपके और जो बचे हुए रिजल्ट थे प्रमोटेड स्टूडेंट के सेकेंड ईयर के, वो भी जारी कर दिए। बीए के स्पेशली जारी कर दिए हैं, क्योंकि बीए में सब ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, तो थोड़ा समय लगा, लेकिन बीए पार्ट टू का कल ही रिजल्ट जारी कर दिया। जिन सभी विद्यार्थियों की मार्कशीट के अंदर RW/EX लिखा आ रहा है, उसका मतलब मैंने पहले भी बताया है और अभी बता देता हूं, उसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी वेटिंग में है। आप प्रमोट हो चुके हो, आप अपनी पढ़ाई में पढ़ाई करो, अपनी तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर की एग्जाम भी दोगे आप, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो अभी वेटिंग में है, और वो क्लियर होगा तब आपको बता दिया जाएगा, ये होता है उसका मतलब। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि आपके लगभग सभी रिजल्ट आ गए जो प्रमोटेड स्टूडेंट के थे। अब आपके एग्जाम फॉर्म की बात करूं, तो यूजी का जो एग्जाम फॉर्म है फर्स्ट ईयर का, वो चल रहे हैं, और आपके जो एग्जाम फॉर्म है आप 22 जनवरी तक भर सकते हैं। कल मैंने वीडियो में बता दिया था कि आपके फॉर्म डेट एक्सटेंड हो चुकी है और आप 22 जनवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब यूजी फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज के 22 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो अब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपके सभी लगभग रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के हों, फाइनल ईयर के हों, किसी भी कोर्सेज के हों, सारे रिजल्ट आ गए, तो अब आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो एग्जाम फॉर्म है जनवरी के एंड में ही स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, कि जनवरी के एंड से ही, जैसे आपके फर्स्ट ईयर के फॉर्म खत्म हुए, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग और काफी जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो आपके एग्जाम फॉर्म है सेकंड ईयर फाइनल ईयर के, वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके जनवरी लास्ट में। वहीं मैं बात करूं पीजी के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एनुअल स्कीम के और प्राइवेट के जो फॉर्म है पीजी के, वो भी आपके फरवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो रही फॉरम की बात, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कल है आपकी 18 जनवरी। आप सभी को इस 18 जनवरी का इंतजार था, इस दिन का इंतजार था, कि क्योंकि लंबे समय से करीब 10 महीने से आपकी कॉलेज बंद थी, सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, तो कल से आपकी कॉलेज ओपन होगी। अभी फिलहाल अंतिम वर्ष के विद्यार्थी अपनी कॉलेज में जा पाएंगे, चाहे वो किसी भी कोर्सेज की कॉलेज हो, आप सभी लोग वहां पर जा पाएंगे, अपना मतलब की पढ़ाई कर पाएंगे, आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, आप प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। तो अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए शुभकामना एक तरह से, क्योंकि अब एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि आप इतने दिनों बाद में कॉलेज जाओगे, कॉलेज के दर्शन करोगे और वहां पर अपनी पढ़ाई करोगे, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे भी बताते हुए, और आपको भी खुशी होगी जाते समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी गाइडलाइन को ध्यान में रखना होगा और फिर कॉलेज जाना होगा। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संगठक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, चाहे वो महाराजा कॉलेज हो, चाहे वो महारानी कॉलेज की छात्राएं हो, चाहे वो कॉमर्स कॉलेज हो, राजस्थान कॉलेज हो, राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स में पढ़ने वाले पीजी के जो विद्यार्थी हों, सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं यहां पर, या राजस्थान प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं उनमें पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि आप अपना टाइम टेबल देख लें कि कब से आपकी क्लासें लगेंगी, किस टाइम पे कौन सी क्लास लगेगी, कौन सी जगह लगेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक वो पहुंचा दिया होगा, जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आपका टाइम टेबल है कि कब से आपकी क्लासें लग रही हैं। यहाँ पर मैंने अभी कॉमर्स कॉलेज का देखा था, कॉमर्स कॉलेज का जारी कर दिया है टाइम टेबल। जो कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी को मैं सूचित कर देता हूँ कि उनका टाइम टेबल जारी हो चुका है, किसका, कॉलेज में क्लासेज का। पूरा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स कॉलेज जयपुर की, उस पर जाके आप देख सकते हैं, आपका जो है एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि कौन से रूम में किसकी क्लास लगेगी, कौन से कोर्स की क्लास लगेगी।
यहां पर जो है रूल आपको सभी को पता है, अब भी फिलहाल 50% बच्चों को बुलाया जाएगा, 100% को नहीं बुलाया जाएगा। पहले दिन किन विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, किन रोल नंबर वाले विद्यार्थियों को पहले बुलाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सभी को सूचित कर दिया होगा आपकी कॉलेज ने कि कल से कौन कौन से विद्यार्थी आपकी कॉलेज में आ पाएंगे और जा पाएंगे और अपनी पढ़ाई कर पाएंगे यहाँ पर। तो बहुत बड़ी बात है कि कल से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो रही है और फाइनली आप अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। अब यहां पर सारे काम हो गए, आपके रिजल्ट भी आ गया, कल से आपकी कॉलेज भी स्टार्ट हो रही है, आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे। अब बात करता हूं एग्जाम की। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था उसमें मेंशन था कि मार्च मंथ में, मार्च एंड में आपके सभी कोर्सेज की जो है यूजी कोर्सेज की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल मंथ में पीजी कोर्सेज की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास में एक महीना है फरवरी, फरवरी जनवरी का एंड चल रहा है, फरवरी महीना आपके पास में है, तो क्या एक डेढ़ महीने में क्या आप अपनी तैयारी कर पाएंगे? तो यहां पर ये बड़ा सवाल आता है निकल के। तो मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि आपके पास में ज्यादा समय नहीं है आपकी एग्जाम का, जिस हिसाब से आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है उसमें जो एग्जाम डेट दी है उसके अकॉर्डिंग, तो आप अपनी तैयारियों में जुट जाओ। हम सभी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हो, मैं भी चाहते हूं कि आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो, दूसरी बात आपका सिलेबस भी कम हो। ये दोनों चीज हम मतलब कि हमारी मांगे हैं, ये दोनों चीज कि भाई एक तो आपका सिलेबस कम हो, दूसरा आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो, यानी जो एग्जाम आपकी मार्च एंड में होने वाली है वो मई में हो या जून में हो, इस तरह से आपकी एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि आपको समय मिलना चाहिए प्रिपरेशन का, तैयारी करने का। तो यहां पर मैं आप सभी को सूचित कर देता हूं और बता भी देता हूं कि कोई बात नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है, नहीं तो सिलेबस के रिगार्डिंग कोई अपडेट आ रही है, नहीं आपके एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, आप बिल्कुल कतई ही प्रिपरेशन में ढील मत दो। कल से आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी लग रही हैं और ऑनलाइन तो आपकी लगी रही होंगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की, तो सभी अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके लिए मैं हूं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको पता लग जाएगी कि आपका सिलेबस कम हुआ है नहीं हुआ है, या आपकी जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं सभी को सूचित कर दूंगा, लेकिन आपका जो काम है वो अब काम है कि आप अपनी पढ़ाई करें। अब कोई भी बहाना नहीं है आपके पास में, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया, फॉरम भी भरे जा रहे हैं आपके, इसी के अलावा आपके ऑफलाइन कॉलेज भी खुल गए। रही बात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो अगर फाइनल ईयर का सही से चला, कोई भी केसेस की संख्या नहीं आई, तो आपके फरवरी मंथ में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी कॉलेज ओपन कर दिए जाएंगे। तो यहां पर समय कम है लेकिन प्रिपरेशन ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है। तो आप सभी लोग जुट जाएं अपनी तैयारियों में, जितने भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। जैसे ही कोई अपडेट आती है सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें और टाइम टेबल बना लें अपना, अपने टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करें, अपना शेड्यूल तैयार कर लें, मुझे 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 2 घंटे ये पढ़ना है, पूरा मैं बना चुका हूं, काफी सारी वीडियो बता चुका हूं आपको, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई मतलब कि कॉलेज के रिगार्डिंग या किसी भी कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई अपडेट चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे अच्छा लगेगा टॉपिक। तो आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।